नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर में बुधवार की देर रात एक मोबाइल दुकान में लगी आग ने दुकान को जलाकर राख कर दिया। घटना रात तकरीबन 12 बजे जिला न्यायालय परिसर के ठीक सामने हुई, जहां संचालित होने वाली मोबाइल दुकान में लगी भीषण आग ने दुकान को जलाकर राख कर दिया है। देर रात शहर में हुई इस घटना के दौरान स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाया, लेकिन आग ने शांत होने से पहले दुकान में रखे सामान को जलाकर राख कर दिया था। जानकारी के मुताबिक रात तकरीबन 12 बजे जिला न्यायालय के पीछे वाले गेट के ठीक सामने स्थित मोबाइल दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। दुकान के अंदर से निकल रही आग की लपटें और धुएं का गुब्बार देखकर स्थानीय लोगों ने आनन फानन में दमकल को सूचना दी, जहां कुछ ही मिनटों बाद पहुंचे दमकल ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन दुकान के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि दुकान में आग कैसे लगी स्पष्ट नहीं हो सका है, वहीं दुकान में आग लगाने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल यह तो जांच का विषय है, बाद में स्पष्ट होगा कि दुकान में आग किस वजह से लगी है।